नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 29 और मैं हूं आपके साथ छवि। विकास संवाद कार्यालय में जिला स्तरीय एकीकृत कुपोषण प्रबंधन महिला बाल अपराध के संदर्भ में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का आयोजन जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा बच्चों की वृद्धि निगरानी की जमीनी हकीकत का स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा किए गए सत्यापन से निकले बिंदुओं पर चर्चा एवं महिला बाल अपराध के संबंध में पुलिस विभाग द्वारा प्रारंभ किए जा रहे अभियान पर संवाद करना था। इस कार्यशाला में महिला बाल विकास के जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिले की सभी परियोजनाओं के परियोजना अधिकारी, पर्यवेक्षक, जिले में महिला एवं बाल अपराध के लिए नियुक्त पुलिस अधिकारी एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हुए। समाजसेवी यूसुफ बैग ने बताया कि वृद्धि निगरानी सत्यापन में पाया गया कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के संकट से जीवन का प्रत्येक पहलू प्रभावित हुआ है। इससे आजीविका का गंभीर संकट उत्पन्न हुआ है और पोषण प्रभावित हुआ है। इससे एक तरफ परिवारों में पोषण की उपलब्धता कम होने से बच्चों में कुपोषण का संकट को ध्यान में रखा जाना बेहद अहम मुद्दा है, बल्कि दूसरी तरफ बच्चों के संदर्भ में संचालित सेवा सुविधाएं भी बाधित हुई हैं। परिणाम स्वरूप बच्चों के पोषण एवं उनकी निगरानी करने की आवश्यकता बढ़ गई है। इस आवश्यकता को देखते हुए वृद्धि निगरानी का सत्यापन का प्रयास महिला बाल विकास पन्ना की साझा पहल से स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा किया गया है, क्योंकि बच्चों में कुपोषण एक गंभीर समस्या है। यदि समय पर इस समस्या की पहचान और निदान नहीं किया गया तो ये बच्चों की मृत्यु का कारण बन सकता है। कुपोषण की निगरानी एवं पहचान बच्चों की उम्र के अनुसार लंबाई एवं वजन को निकाल कर जांचा जा सकता है। इससे पहले जिले की स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा 107 आंगनबाड़ी केंद्रों में दर्ज 1607 बच्चों की वृद्धि निगरानी से जुड़े अनुभवों एवं तथ्यों को साझा किया गया। कोविड-19 एक महामारी के कारण जीवन का हर पहलू प्रभावित हुआ है, और वास्तव में अगर देखा जाए तो इस बीमारी से सबसे ज़्यादा प्रभावित बच्चे हुए। तो ये हम संस्थाओं की बहुत चिंता थी कि महिला बाल विकास किस ढंग से काम कर रहा है, उसकी भी एक जांच पड़ताल होना चाहिए। और विभाग की भी मंशा थी कि जो उनके जमीनी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उसका भी एक सत्यापन हो। तो संस्थाएं नहीं थीं, लेकिन हमने सारी संस्थाओं को एक मंच पर लाने का काम किया, और सभी संस्थाओं ने दिल से इस काम को किया है। और 107 आंगनवाड़ी जिले की और 1608 बच्चों का सत्यापन करके सारी कमियां, अच्छाइयां जो भी निकल के आई हैं वो विभाग के साथ में आज हम लोगों ने शेयर की हैं कि इन कमियों को दूर किया जाना चाहिए। उसके बाद एक प्लान भी बनाया है, एक इसका पूरा रिपोर्ट तैयार करके जिला प्रशासन के मुखिया, कलेक्टर के समक्ष भी हम रखेंगे, जिससे कि वास्तविकता से वो भी अवगत हो जाएं और बच्चों को एक प्रमुखता के रूप में लेकर हम अपने ज़िले से कुपोषण को ख़त्म करने के लिए, साझा और सामुदायिक प्रबंधन को मजबूत करने के लिए काम कर सकें। इसलिए आज हम सारी संस्थाएं, विभाग सब बैठे थे, उस पर पूरे दिन हम लोगों ने चर्चा की। उसके बाद आज हम लोग आपके समक्ष हैं, और निश्चित रूप से हम सभी संस्थाओं का, विभागों को सपोर्ट करना इसी बात का एक बात है कि हम चाहते हैं कि हमारे ज़िले में जो भी शासन की जनहितकारी योजनाएं हैं उनको, उनका पूरा पूरा लाभ हितग्राही तक पहुंच पाए, उनका क्रियान्वयन आसान हो पाए। तो हम लोग सरकार का और प्रशासन की मदद करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि योजनाओं का क्रियान्वयन आसान हो सके। ये कुपोषण को लेके महिला बाल विकास विभाग द्वारा एकीकृत कुपोषण प्रबंधन कार्यक्रम चलाया जा रहा है सितंबर माह से। इसमें 6 माह से 5 वर्ष तक के आंगनवाड़ी केंद्रों में दर्ज बच्चों का वजन लिया जाता है और उनकी लंबाई ली जाती है। इस आधार पर अति गंभीर कुपोषित, मध्यम गंभीर कुपोषित और सामान्य श्रेणी के बच्चों का चिन्हांकन हमारे विभाग के द्वारा किया गया है। प्रतिमाह ये किया जा रहा है। अब हमारे कार्यकर्ताओं ने उनकी दक्षता क्या है, उनसे कहीं कोई त्रुटि तो नहीं हुई, या उनको और क्षमता संवर्धन की आवश्यकता है। इस आवश्यकता को देखते हुए जो हमारा विकास संवाद समाजसेवी संस्था है, उनके लीडरशिप में इस पन्ना जिले में जो और समाजसेवी संस्थाएँ कार्य कर रही हैं, लगभग 15-16 संस्थाओं को विकास संवाद के द्वारा अपने साथ जोड़ा गया, और जुड़ने के बाद महिला बाल विकास विभाग ने जो कार्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने किया है वजन और ऊंचाई लेने का, उस कार्य का सत्यापन कराया गया। उसी संबंध में आज हम लोग बैठे हुए थे, जिसमें 107 आंगनवाड़ी केंद्रों के 1000 से अधिक बच्चों का
हमारी समाज सेवी संस्थाओं ने सत्यापन किया है तो उसका एनालिसिस कर रहे थे और उसमें जो भी कमियां या अच्छाइयां जो भी अनुभव थे उनमें आगे सुधार करके हम लोग कार्य योजना बना रहे कि कुपोषण के विरुद्ध और क्या बेहतर किया जा सकता है समाज सेवी संस्थाओं का सहयोग लेकर। लॉकडाउन के बाद एकदम से कोरोना का ग्राफ बढ़ा था, अब क्या दिख रहा है, किस प्रकार से काम?